caught in the crossfire. बहुत सारे पीक दिखते हैं, त्रिशूल, नंदा देवी, पंचशील और भी बहुत सारे, मुझे नाम सबके पता नहीं है। ये सारे पीक यहीं से दिखते हैं, मतलब आप रूम के अंदर ही बैठ के मजे ले सकते हैं। तो अभी हम जाएंगे अमेजिंग व्यू है यहाँ का, जाने का मन ही नहीं करता सही बताओ तो। सामने हिमालय, कूल वेदर। सो अब हमें निकलने का टाइम हो गया है, सुबह के करीब करीब 10:30 बज चुके हैं अब। और अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे कौसानी से, अपने होटल से, होटल सुमित से। पीछे निशी है, उन्होंने एक टैटू बना रखा है, दिखाओ जरा सबको। ये देखिए ये अमेजिंग टैटू, चेन वाला। और हमारे यहाँ दो फ्रेंड्स मिले हमें, ये दोनों यहीं रहते हैं। आपका नाम क्या है? हेलो गाइस, माय नेम इज सुमित नेगी। आपका? माय नेम इज मनोज मेहरा। मनोज और सुमित, राइट? यस। आपके नाम पे होटल है क्या? हाँ। इनके ही नाम पे ये होटल है। तो ये जो है होटल सुमित, यही है जिनका नाम यहाँ पर चलता है। तो आपके होटल की ऐसी अच्छी बात क्या है जो कि सब आए, सारे बाइक राइडर्स या कोई भी फैमिली वाले यहाँ आए? यहाँ से व्यू पूरा करेक्ट दिखता है और सनसेट भी सही दिखता है, और खाना भी सही टाइम पे सही मिलता है। अच्छा, सही बात है, खाना वाना सब सही था यहाँ का। तो ओवरऑल आई वुड रिकमेंड आउट ऑफ 5, 4.5 stars। तो अब इनको भी बाय बाय करने का टाइम आ गया है। बाय कसौनी और कौसानी, क्या बोलते हैं जगह आप लोग, क्या बोलते हो, कौसानी या कसौनी? कौसानी। कौसानी, मैं बार बार कसौनी बोल देता हूँ, है कौसानी इस जगह का नाम। चलो अब आगे चलते हैं, देखते हैं क्या आता है नेक्स्ट। जाएंगे, यहाँ चाय पत्ती बनती है कौसानी में ही, बिल्कुल पास है। तो हम ऑन द वे थे बैजनाथ की तरफ जा रहे हैं, और अभी देखते हैं क्या मिलता है अंदर। ये एक शॉर्ट पैसेज है, नैरो भी है,
ऊपर तो आ गए लेकिन यार कोई दिख नहीं रहा हमें। ये तो आज बंद है। इट्स क्लोज। ये बंद है। वैसे आज यहाँ चाय नहीं मिलेगी अनफॉर्चुनेटली। इसने टोटल बंद है। पीछे देखते हैं क्या है। कुछ भी नहीं है। ऊपर वो टी स्टेट है और चाय के पेड़ है चाय बागान में जो होते हैं। देखते हैं कैसा है। तो ऊपर पहुँचते हो फिर आप भी आना। ये क्या करते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो ये बड़ी पत्तियाँ भी है। ये पत्ती है तो किसी से खराब सी हो रही है और ये पत्ती बड़ी है सही है पर बड़ी है। तो यूजुअली ये क्या करते हैं चाय बनाने के लिए ये जो ताज़ी छोटी पत्तियाँ हैं सिर्फ इनको लेते हैं। सिर्फ ये वाली जो ताज़ी पत्तियाँ हैं जो छोटी छोटी जो पत्तियाँ हैं इन्हीं को चुन करके फिर चाय की पत्ती बनाई जाती है। आगे जो भी प्रोसेस होता है पूरा और फैक्ट्री बंदर ही तो आपको पूरा दिखाते हैं कैसे क्या काम होता है सब कुछ। अभी जितना आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं जो दिखा सकते हैं वही मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी। तो ये ओवरऑल और हाँ यहाँ पे काफ़ी लोग आ रहे हैं और लोग जो कि है फोटो खिंचवा रहे हैं अपना।